हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4। सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू लीनियर इक्वेशंस। सो हमारे पास क्या इक्वेशन दी हुई है, इट इज 5 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 1 अपॉन वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 2 एंड 6 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस 3 बाय वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 1। सो वी हैव टू सॉल्व दिस। तो हमारे पास जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर्स में है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें अज्यूम करना पड़ेगा। हम लेंगे लेट, सबसे पहले देखेंगे दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो हमने अज्यूम किया 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एज यू एंड 1 अपॉन वाई माइनस 2 एज वी। यू कैन अज्यूम यूजिंग एनी वेरिएबल, जो आपको अच्छा लगे वेरिएबल आप चूज कर सकते हैं। नाउ so in place of 1 by x minus 1 we can use u, so first this will become 5u plus 1 into v, that become v is equals to 2. Now the next one is 6 into u, that is 6u minus 3 into v, that is 3v is equals to 1. So name this equation as 1 and this as equation number 2. सो लेट अस सॉल्व दिस। तो हमें दिख रहा है दिस वी वेरिएबल, इसमें दोनों का अपोजिट साइन है, इफ यू मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 3 तो इजीली वी कैंसिल हो जाएगा। सो लेट अस मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 3। हम इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड एड बोथ द इक्वेशंस, और दोनों को एड कर लेते हैं। सो ऑन मल्टीप्लाइंग फर्स्ट बाय 3 व्हाट वी गेट, 3 into 5, that is 15u plus 3 into v, 3v is equal to 3 into 2, that is 6। तो जब भी हमें मल्टीप्लाई करना है हमने इक्वेशन की दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करना है, तो हमने इस इक्वेशन को 3 से इंटू किया है, तो इसमें दोनों साइड से इंटू करेंगे। सेकेंड इक्वेशन एज इट इज 6u minus 3v is equals to 6 is equals to this is 1। Now adding the two, दोनों को ऐड करते हैं, 15 प्लस 6 दैट इज 21u, ये कैंसिल हो गया एंड 6 प्लस 1 दैट इज 7। सो व्हाट इज u, u